दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विथ डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको कि मैंने जो 100 प्रश्न डाले हैं दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के, इसमें मैंने आपके टेस्ट के लिए 5 प्रश्न दिए हुए हैं सबसे लास्ट में। तो शुरू से लास्ट तक देखिए और उसके बाद जो 5 प्रश्न है दोस्तों उसके आंसर्स मेरे कमेंट्स बॉक्स में दीजिए, जिससे आपको पता लग सके कि आपकी पढ़ाई अभी तक कितनी हो चुकी है। हर वीडियो में मैं ऐसे ही चार पाँच क्वेश्चन डालता रहूँगा जिससे कि आपका अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहे। चलिए शुरू करते दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुठिन रहता है, आप? तो इसका आंसर है दोस्तों, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका निर्वाह करेंगे। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, तो दोस्तों इसका आंसर है ये सभी, जब पहले से ही सीखने का प्रभाव जो दोस्तों किसी नई अनुक्रिया के निष्पादन पर पड़ता है तो इसे सीखने का स्थानांतरण कहा जाता है। और मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के 3 स्थानांतरण बताए दोस्तों, कौन कौन से 3 हैं, सकारात्मक, नकारात्मक तथा शून्य बताए हैं। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, तो दोस्तों इसका उत्तर है अधिगम एवं वृद्धि। चौथा प्रश्न है दोस्तों, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, इसका उत्तर दोस्तों आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, परिपक्वता का संबंध है, तो इसका उत्तर है दोस्तों विकास। छठा प्रश्न है दोस्तों, तनाव और क्रोध की अवस्था है, तो इसका उत्तर है दोस्तों किशोरावस्था, तनाव और क्रोध की अवस्था है। अगला है दोस्तों सातवां, बालक का विकास परिणाम है, तो इसका उत्तर है दोस्तों वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का बालक का विकास परिणाम है। अगला प्रश्न है दोस्तों आठवां, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, तो दोस्तों इसका उत्तर है अभिवृद्धि ही शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। अगला है दोस्तों नवा, बाल मनोवैज्ञानिक के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है, तो दोस्तों इसका उत्तर है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, यही बाल मनोवैज्ञानिक का एक सर्वोत्तम कथन है। अगला है दोस्तों, श्यामपट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो दोस्तों इसका उत्तर है अच्छी लिखावट ही श्यामपट लिखते समय महत्वपूर्ण बात है। अगला प्रश्न दोस्तों ग्यारहवा, बाल मनोवैज्ञानिक का केंद्र बिंदु है, दोस्तों इसका उत्तर है बालक ही बाल मनोवैज्ञानिक केंद्र का बिंदु है। अगला है दोस्तों बारहवा, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है, तो दोस्तों इसका उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी कि वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण और परिवार की सामाजिक स्थिति ही मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। अगला है दोस्तों तेरहवा, सीखने के नियम दिए हैं, तो इसका उत्तर है दोस्तों किसने दिए हैं, थानेडाइक ने सीखने के नियम दिए हैं। अगला है दोस्तों चौदहवा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो दोस्तों इसका उत्तर है बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, यही जो 4 ऑप्शन दिए दोस्तों इसमें से ये कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, परामर्श का उद्देश्य है, तो दोस्तों इसका आंसर है उपरोक्त तो सभी, यानी कि बच्चों का समझना, बच्चों की कमियों के कारण पता करना और बच्चों को समायोजन में सहायता करना ही परामर्श का उद्देश्य है। अगला है दोस्तों 16वां, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, तो दोस्तों इसका उत्तर है ये सभी, यानी स्नेह का, विश्वास का और सम्मान का है, शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। अगला है दोस्तों 17वां, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है, तो दोस्तों इसका उत्तर है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना ही बच्चों के नैतिकता की स्थापना करना है। अगला प्रश्न दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है, तो दोस्तों इसका उत्तर है अभियोग्यता का विकास ही संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। अगला है दोस्तों 19वां, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, दोस्तों इसका उत्तर है सहयोग की भावना का एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। 20वां प्रश्न दोस्तों, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है, तो दोस्तों इसका उत्तर है बच्चे का सर्वांगीण विकास ही शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक है, तो दोस्तों इसका उत्तर क्या है, थानेडाइक ही प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक है। अगला है दोस्तों 22वां, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, आप? दोस्तों इसका उत्तर है ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे।
अगला प्रश्न दोस्तों, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूली योजना कौन से वर्ष शुरू किया गया था? तो दोस्तों इसका उत्तर है 2004 में ये शुरू किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुक्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष में शुरू किया गया था? तो दोस्तों इसका उत्तर है 2001 में ये शुरू किया गया था। 25वां प्रश्न दोस्तों, स्त्री गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष में निकाला गया था? तो दोस्तों इसका उत्तर है 1998 में निकाला गया था। अगला है दोस्तों, 26वां, भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया गया? तो दोस्तों इसका उत्तर है 2009 में लागू किया गया। 27वां प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? तो दोस्तों इसका उत्तर है शिक्षक को विषय की समझ। अगला प्रश्न दोस्तों, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधित सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं? तो इसका उत्तर है दोस्तों, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए शिक्षण संबंधित सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। अगला है दोस्तों 29वां, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों को माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर है दोस्तों, जाकर उनसे मिलना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को, तो इसका उत्तर दोस्तों प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगला है दोस्तों, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है? तो दोस्तों इसका उत्तर है प्रश्न पूछना। अगला प्रश्न दोस्तों, विद्यार्थी को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? तो इसका उत्तर है दोस्तों, यहाँ सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। अगला है दोस्तों, विद्यार्थी की प्रशंसा की जानी चाहिए? तो इसका उत्तर है दोस्तों, लोगों के बीच विद्यार्थी की प्रशंसा की जानी चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है, विद्यालय एवं शिक्षा में बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। अगला है दोस्तों, बच्चों के बौद्धिक विकास के सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था? किसने पहचाना गया था दोस्तों? इनको पियाजे द्वारा पहचाना गया था। अगला है दोस्तों 36वां, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप उत्तर, वहां जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से अनुप्रेरित करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की प्रवृत्ति में नहीं है तो आप, तो दोस्तों इसका उत्तर है, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों 38वां, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है? इसका उत्तर है दोस्तों, आदर्श रूप में बर्ताव कर एक शिक्षक विद्यार्थी में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों, वहाँ स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर सकता है कहा जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। अगला है दोस्तों, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर है, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। 41वां दोस्तों, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर है दोस्तों, सतत मूल्यांकन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला है दोस्तों, बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है, माता पिता ही बच्चे का पहला शिक्षक होते हैं। अगला है दोस्तों, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वहाँ एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो और प्रभावकारी तरीके से पढ़ने में सक्षम हो। इसका उत्तर दोस्तों, ये तीनों चीज़ उसमें होनी चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, परिवार एक साधन है? तो इसका उत्तर है दोस्तों, अनौपचारिक शिक्षा का परिवार एक साधन है। अगला है दोस्तों, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए? तो इसका उत्तर है दोस्तों, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के विकास करना? तो दोस्तों इसका उत्तर है, व्यक्तित्व का विकास करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है, खुद करके कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर सीख सकता है।
अगला प्रश्न दोस्तों, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है पियाजे को इसका श्रेय जाता है। अगला प्रश्न है, वर्णमाला की पहचान वर्ष की आयु में शुरू होती है? तो दोस्तों इसका उत्तर है 3 वर्ष की आयु में शुरू होती है। अगला है दोस्तों, मनोवैज्ञानिक सामान्यतः मानव से संबंधित होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है ये सभी से संबंधित होता है, कौन कौन से? भावनाओं, विचारों और आचरण से संबंधित होता है। अगला है दोस्तों कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो दोस्तों इसका उत्तर है धैर्य और दृढ़ता। अगला है दोस्तों, बाल मनोवैज्ञानिक के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो दोस्तों इसका उत्तर है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। अगला है दोस्तों, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिकतम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? तो दोस्तों इसका उत्तर है 6 से 14 वर्ष के लिए लागू है। अगला है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए? तो इसका उत्तर है दोस्तों अध्यापक विषय एवं बाल मनोवैज्ञानिक का शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो दोस्तों इसका उत्तर है विकासी विधि सबसे अच्छी विधि है। अगला प्रश्न है, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है इन सभी से, परिवार से, विद्यालय से और साथियों से। अगला है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अपनी भूमिका निभानी चाहिए? दोस्तों इसका उत्तर है अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं होती? तो दोस्तों इसका उत्तर है प्रतिरोध। अगला प्रश्न दोस्तों, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यहाँ विचार किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका उत्तर है निरंतरता का सिद्धांत। अगला है दोस्तों, विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? तो दोस्तों इसका उत्तर है बहुविकल्पीय प्रश्न। अगला है 61वां, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? तो दोस्तों इसका उत्तर है ये स्किनर ने कहा है। अगला है दोस्तों, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है? तो दोस्तों इसका उत्तर है व्यवहार का अध्ययन ही आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। अगला है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है 5 वर्ष में हिंदी अक्षरों को बालक पहचानने लगते हैं। अगला है दोस्तों, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है टर्मेन। अगला है दोस्तों, 65वां, खिलौनों की आयु कहाँ जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाली अस्थायी परिवर्तन कहलाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है अभ्यस्तता। अगला प्रश्न है दोस्तों, पियाजे की औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो दोस्तों इसका उत्तर है 11 से 15 वर्ष तक मानी जाती है। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है स्वालीनता को प्रदर्शित नहीं करता। अगला है दोस्तों, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है 280 दिन लगते हैं। अगला है दोस्तों, नवजात शिशु का भार होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है 7 पाउंड का होता है। अगला है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? तो दोस्तों इसका उत्तर है पेस्टोलाजी ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया। अगला है दोस्तों, निम्न में से विकास की अवस्था है? तो दोस्तों इसका उत्तर है गुणात्मकता विकास की अवस्था है। अगला है, बालक का विकास होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है सिर से पैर की ओर बालक का विकास होता है। अगला है दोस्तों, बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है परिवार से ही बालक में संस्कारों का प्रारंभ होता है। अगला है दोस्तों, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है? तो दोस्तों इसका उत्तर है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। अगला है,
खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास खेल के मैदान में विकास होता है। अगला है गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। तो दोस्तों इसका उत्तर है शेषणावस्था, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। अगला है गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो दोस्तों इसका उत्तर है माँ के पोषण से गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। तो दोस्तों इसका उत्तर है मन तथा शरीर का विकास ही मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। अगला है दोस्तों परामर्श का उद्देश्य है। तो दोस्तों इसका उत्तर है उपयुक्त सभी, यानी बच्चे को समझना, बच्चे की कमियों का कारण पता करना और बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना ही परामर्श का उद्देश्य है। अगला है गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है सर्वप्रथम? दोस्तों सिर का गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। अगला प्रश्न दोस्तों बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है शेषावस्था में होता है। अगला प्रश्न दोस्तों जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? तो दोस्तों इसका उत्तर है 270 जन्म के समय शिशु में हड्डियां होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों बीजावस्था कहा गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर है 0 से 2 सप्ताह को बीजावस्था कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है? तो दोस्तों इसका आंसर है 3 माह के अंदर बालक अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है या प्रारंभ कर देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों बालक जमीन पर से अपने पसंद की वस्तु उठा लेता है, आपके अनुसार उस बालक की आयु होगी? तो दोस्तों इसका उत्तर है 8 से 9 माह उस बालक की आयु होगी। अगला है बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है? तो दोस्तों उसका उत्तर है 350 ग्राम बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। अगला प्रश्न दोस्तों सीखने का आदर्श काल माना गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर है शेषावस्था। अगला प्रश्न है दोस्तों कल्पना जगत में विचरण होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है शेषावस्था व किशोरावस्था में कल्पना जगत में विचरण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों एक बालक पड़ोसी के घर में अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है, उसकी माँ के द्वारा उसके पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते ही वह रोना प्रारंभ कर देता है, आपके अनुसार बालक की आयु होगी? तो इसका उत्तर है दोस्तों 10 माह। अगला प्रश्न है बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है 5 वर्ष के बाद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यहाँ कार्य किस अवस्था में होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है शेषावस्था में होता है। अगला प्रश्न दोस्तों कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि को का अध्ययन किया? तो दोस्तों इसका उत्तर है लंबात्मक विधि का अध्ययन किया। अगला है निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है प्रकाश की ओर आकर्षित होना प्रारंभ करता है। अगला है दोस्तों शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य संबंध होना चाहिए? तो दोस्तों इसका उत्तर है उपरोक्त सभी, स्नेह का, विश्वास का और सम्मान का शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए? दोस्तों इसका उत्तर है शांत किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है सीखना है एक जटिल, इसका उत्तर है दोस्तों मानसिक प्रक्रिया। अगला है भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों इसका उत्तर है 1930 में भारत में बाल विकास की शुरुआत हुई। अगला और लास्ट प्रश्न है विकास प्रारंभ होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है गर्भावस्था में विकास प्रारंभ होता है। दोस्तों अब आपका दोस्तों 100 प्रश्न पूरे हो चुके हैं, तो अब आपका टेस्ट है, आपको 5 प्रश्न दिए जा रहे हैं। दोस्तों इसका उत्तर आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखेगा। पहला प्रश्न है एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, इसका उत्तर आपको दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ही छांट कर बताना है। दूसरा है एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है, इसमें भी दोस्तों आपको 4 ऑप्शन में से एक उत्तर बताना है। अगला है बच्चा किस प्रकार सीखता है, तो दोस्तों इसका भी आंसर आपको देना है।
पांच प्रश्न हैं। अगला है चौथा, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्न में कौन सा कथन सर्वोत्तम है। वो दोस्तों पांचवा प्रश्न है, निम्न में सर्वोत्तम कथन कौन सा है एक अच्छा अध्यापक। तो दोस्तों इसका उत्तर आप मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिए। पांच प्रश्न के आपका टेस्ट है, ये आपको अभी तक आपने जो पढ़ाई की उसका एक टेस्ट है कि कितना आप पाँच नंबर में से ला सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।